संदिग्ध परिस्थितियों में खेत गई 10 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खेत में शव देख स्थानीय लोग और किसानों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें, पूरा मामला बबेरू कोतवाली के पवैया गांव से सामने आया है, जहां देर शाम एक लड़की घर से खेत गई थी और खेत जाने के लापता हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन लड़की का कहीं कोई पता नहीं चला। उसके बाद 10 वर्षीय बच्ची का शव गांव के बाहर खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ देखा गया, जिसके बाद मौके पहुंचे परिजन मासूम को घर ले गए और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि मेरी 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पूरे मामले की जाँच में गए हैं। 3-4 बजे के बीच में आई है, 3-4 बजे के बीच में आई है तो हरियार उखाई से, हरियार उखाड़ के धह दिया है वहाँ से बंधे में। जब बंधे में धह दिया था तो वहाँ पे ले गए, आप वहाँ पे पाई रहे थे। जब हम आयन कामे से 5:30 बजे छूटा है, 6:30 बजे आयन, तब घर में ढूंढो बच्चा, तो फिर हम आयन न घरों में भीतर घुसा। जब आयन तो ना चाहे पूरा पिताजी से पूछा तो कहा ये है अंतिम कहीं नहीं है। तो हम लाइट लेके आए तो ढूंढे लागे पिताजी हाँ, जब ढूंढे लागे तो यहाँ पे पिताजी आए तो बंधे में पड़ रहा है। क्या नाम था लड़की का? लड़की नाम पिंकी। कितनी उम्र होगी लगभग? 9-10 साल। अच्छा, आपका क्या नाम है? लाल के। कौन सा गांव है ये? पवैया। ठीक। गांव पवैया में एक 9 और 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। गांव से वो लड़की आई थी यहीं पास में, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे उसका एक डेरा है। डेरा में बाबा रघुराज रहते हैं। वहाँ से अपने खेत पे आई, बगल पे खेत है, खेत पे आकर के यहाँ एक फसल में चारा होता है जिसे बहुड़ी कहते हैं बुंदेलखंड की भाषा में, और वो फसल को नुकसान करती है, उसे उखाड़ करके जानवरों को खिलाया जाता है। उसने उखाड़ा, उखाड़ करके काफ़ी इकट्ठा किया। करीब 4:30-5 बजे वो बच्ची यहाँ आई थी। यहाँ से उसे कोई पकड़ करके घसीट करके करीब 10 मीटर की दूरी पे ले गया है, उसके साथ बलात्कार किया है जिसे की संभावना है, और गर्दन दबा करके मार डाला है उसको। उसके चेहरे पर चोट के निशान भी हैं, सलवार फटा हुआ है। ये बहुत ही इतनी खतरनाक घटना है, इतनी ख़राब घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और यह बांदा ज़िले की पहली घटना नहीं है। अभी 15 जनवरी को भी मोरवा के पास एक यादव परिवार में, ये भी यादव परिवार की लड़की है, एक यादव परिवार की लड़की की 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। उसकी इतनी हालत ख़राब है कि वो ज़िंदगी और मौत से अभी भी संघर्ष कर रही है। एक ही अपराधी पकड़ा गया, 3 अपराधी अब भी उसमें फरार है। क्या कर रही है पुलिस इस सरकार में, इस राज में, योगी के राज में? इतना ज़्यादा छोटी बच्चियों के साथ जुल्म और अत्याचार बढ़ गया है, बलात्कार बढ़ गया है। नैतिकता के अधिकार पर इस सरकार को, ये दो ही घटनाएं नहीं है, इस तरह की 3-4 घटनाएं पिछले 2 महीने में बांदा ज़िले में। कोई नैतिकता के आधार पर इस सरकार को सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं है। और हम चेतावनी देते हैं पुलिस प्रशासन को कि 3 दिन के मौका दे रहे हैं, मौका देने का वैसे नहीं है, क्योंकि वो लड़की तो जिंदा थी मुरवा वाली, तो उसने नाम बताए तब एक अपराधी को पकड़ पाई है, 3 अपराधी अब भी फरार हैं उसमें। और ये तो मार दिया है इस बच्ची को, हम इनको इसलिए 3 दिन का मौका दे रहे हैं कि 3 दिन में खुलासा करें, नहीं 3 दिन में अगर खुलासा नहीं किया तो हम पुलिस को कोई काम नहीं करने देंगे, थाना घेरेंगे, SP को घेरेंगे, हर कीमत पे इसका खुलासा हो करके रहेगा, खुलासा करवा के रहेंगे, नहीं इनको काम नहीं करने देंगे। कल रात्रि में थाना बबेरू के ग्राम पोहैया के रहने वाले बालकेश द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।